हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। 11 अलग अलग प्रोफाइल की वैकेंसी इसमें रिलीज किया गया है, जिसकी सैलरी अलग अलग है। राइट फ्रेंड्स, इसमें ट्वेल्थ होल्डर और ग्रेजुएट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्वेल्थ होल्डर, कोई भी ग्रेजुएट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसमें अप्लीकेशन फ़ी भी डिस्कस करेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं है वो सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। राइट, तो ये वैकेंसी रिलीज किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एक PSU कंपनी है, एक परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। सो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली हुई है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, या फिर वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर मैं ऐड करूँगा 3 और लाइक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको अपडेट होता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसी निकला हुआ है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल का कोड दिया गया है, राइट, TCL 12022। तो यहाँ पे देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। तो फर्स्ट में जो है, जो BSc किया हुआ है कैंडिडेट फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, है ना, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो पहला जो है ग्रेजुएशन BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, किसी एक से, राइट। एंड यहाँ पे देखिए, मस्ट हैव 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द केमिकल एक्टिवेशन फील्ड, लैब एंड ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो वो अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। बाकी अदर गवर्नमेंट के लिए, जैसे ग्रेजुएट होल्डर के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है, प्ले लिस्ट में जाके आप जरूर देखिए, वहाँ पे आप जो है डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो है दूसरा प्रोफाइल जो है, जिसमें BSc अगर जियोलॉजी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या BA जियोग्राफी से किया है, तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ GIS प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 6 मंथ का होता है, वो अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट, 1 साल का जो है जियोलॉजी या जियो इन्फॉर्मेटिक में जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नर्सिंग के लिए प्लस टू के बाद जो है लाइक GNM का अगर आपने कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस मांगा है, लाइक अच्छे हॉस्पिटल में, या फिर आप BSc नर्सिंग किए हैं विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, देन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल जो है उसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब सैलरी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, यहाँ पे इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो था यहाँ पे 32,000 से लेके 1,27,000 तक था स्टार्टिंग सैलरी। ये बेसिक सैलरी है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग सैलरी आपको 44 के आसपास मिलेगा। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए ये क्या है, इसमें नेक्स्ट प्रोफाइल है जो 12th पास होंगे एंड BSc किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से विथ 4 ईयर ड्यूरेशन, है ना, BSc 4 साल का जो न्यूट्रिशन और का फूड साइंस का कोर्स होता है अगर वो किया है आपने, एंड देन फिर 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डाइटिशियन न्यूट्रिशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल या वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मस्ट हैव 12th पास कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से, 4 साल का जो है वैलिड प्रोफेशनल हैवी मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना, राइट, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश का, तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश के जो भी ड्राइवर होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद इसमें देखिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, 32,000 से लेकर 1,27,000 सेम सैलरी स्ट्रक्चर होगा। अब नीचे अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे देखिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि ये 26,600 से लेकर 90,000 तक 12th पास कैंडिडेट, प्लस जो है डिप्लोमा अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से किया है, टू ईयर का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन में है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में जो है फिर से 2 साल का डिप्लोमा एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सैम फिर जो है OT लाइक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए जो है कोर्स के लिए 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है प्लस इसमें जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इमरजेंसी फर्स्ट एड फॉर द मिनिमम 2 ईयर कोर्सेस, राइट, 2 साल का कोर्सेस और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सेम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ICU के लिए, तो ICU टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा होता है एंड 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हमने डिस्कस कर लिया है, देखा ये जैसे कि
हमने यहाँ पे डाइटिशियन के लिए एक वैकेंसी था, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन के लिए 7, उसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए 4, उसके बाद रेडियोलॉजी के लिए 2, उसके बाद ओटी टेक्नीशियन के लिए 3, उसके बाद इमरजेंसी के लिए 3 और आईसीयू के लिए 2। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे जो इंस्पेक्टर